हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे झटका मशीन। तो झटका मशीन को कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं वायरिंग वगैरह कंप्लीट है। तो सबसे पहले हम इसमें सोलर पीसीबी को कनेक्ट करेंगे, वो कुछ इस तरीके से है। तो हम इसके जो ग्रीन कनेक्ट लगे हैं उनके हम स्क्रू को खोल लेंगे। और जो सबसे ऊपर वाले जो है उसमें 12-24 ऑटो, जो 12-24 का स्विच है उसके वायर लगेंगे सबसे पहले। तो सबसे ऊपर लगाएंगे हम माइनस और उसके नीचे लगाएंगे हम प्लस वाला वायर। तो दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। और अब इसमें हम जो इस पीसीबी में हम इसमें से नेगेटिव को बाहर निकालेंगे, तो उसके लिए हम इसमें एल माइनस के लिए दो वायर को जोड़ेंगे। एक तो ये जैक है वो मदरबोर्ड के लिए है, और एक एक्स्ट्रा वायर है वो जाएगा हमारी सायरन पीसीबी में। तो उस पर एल माइनस में हम दो एक्स्ट्रा वायर माइनस के जोड़ेंगे। और उसके नीचे जो हमारा बड़ा स्विच लगा है ऑन ऑफ का मेन स्विच, उसके ऊपर का जो वायर है रेड वाला, उसके हम जो हमने दो नेगेटिव के वायर लगाए थे उसके नीचे वाले ग्रीन कनेक्टर में हम लगाएंगे। एल प्लस है वहाँ पर, ये दोनों जो ग्रीन कनेक्टर हैं वो एल माइनस और एल प्लस। अब उसके नीचे हम बैटरी बैटरी बाहर से भी लगा सकते हैं और बैटरी अंदर से भी लगा सकते हैं। तो माइनस वाला जो वायर है उसे हम ऊपर और प्लस वाले वायर को हम नीचे लगाएंगे। तो इन दोनों को भी हम लगा देंगे। और अब इसके सबसे नीचे जो हमारी सोलर, यानी कि सोलर से हम बैटरी को चार्ज करेंगे या एडोप्टर से, तो उसके नीचे सबसे पहले प्लस वाले वायर को और माइनस के, तो इन्हें भी हम लगा देंगे। तो हमारी जो सोलर पीसीबी है उसके जो कनेक्शन हैं वो हो गए हैं। अब इसमें हम एक इंडिकेटर का जो जैक है उसमें हम जो जब बैटरी जब चार्ज करेंगे सोलर या एडोप्टर से, तो जो बैटरी में जो मशीन में इंडिकेटर लगा है उसे ग्लो कराने के लिए, तो हमारे इसमें मशीन में जो येलो कलर का जो जैक है यहाँ पर इस पर लिखा है चार्जिंग, उसका जो जैक है उसे हम इस पीसीबी में लगा देंगे। तो इसकी कनेक्शन हमारे हो गए हैं। अब इसके बाद हम लगाएंगे इसमें सायरन पीसीबी को, वो है कुछ इस तरीके से। तो इसके भी हम स्क्रू हैं वो ओपन कर लेते हैं। अब तक हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें बैटरी की जिसमें जो करंट जाएगा मैन, उसके बाद जो हमने सोलर पीसी में दो एक्स्ट्रा वायर लगाए थे उसमें से एक वायर को हम इसमें सबसे पहले नेगेटिव माइनस के वायर को लगाएंगे। और इसकी वायरिंग कैसे की जाती है उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो अब इसमें जो अलार्म का जो ऑन ऑफ करने का जो बटन है उसका जो ऊपर वाली जो लेग है उस पर जो प्लस वाला वायर लगा है उसे हम दूसरे वाले स्क्रू से लगा देंगे। तो इसमें जो लाइन इनपुट थी वो हो गई है। अब इसमें हम जो हमारे जो नेगेटिव पे सीटी कॉइल लगती है उसके हम जो वायर हैं वो भी लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे माइनस वाला वायर, उसके बाद प्लस वाला, तो इन्हें भी हम लगा देंगे। तो
तो ये वाले भी जो वायर हैं हमारे वो हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसमें जो सायरन है वो बाहर रहेगा, तो उसके लिए इसमें यहाँ पर हम सायरन को भी लगा देंगे। तो इसमें सायरन के लिए जो सॉकेट है और उसके ऊपर जो फेंस फोल्ट लिखा है, इसमें इंडिकेटर भी ग्लो होगा। जब हमारी फेंस पर कोई भी टच करेगा तो उसमें हमने एक एलईडी को भी लगा दिया है बन के रेजिस्टेंस के साथ, जिससे वो फ्यूज ना हो। तो डबल वायर हैं तो सबसे ऊपर लगाएंगे हम माइनस और सबसे नीचे प्लस, तो इनको भी हम लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा जो इंडिकेटर भी ग्लो होगा जब हमारी फेंस पर कोई टच करेगा, और सायरन भी बजेगा। तो ये भी हमारे जो कनेक्शन हैं वो हो गए हैं। और अब इसमें हम जो ये वॉल्यूम है, जिसे हम अपने खेत में जब वायरिंग कर देते हैं, जब उसे हम सेट करते हैं सायरन को, तो ये वॉल्यूम का जो जैक है 22K वॉल्यूम, तो इसको भी हम इस पीसीबी के इस सॉकेट में लगा देंगे। तो इसके भी हमारे जो कनेक्शन हैं वो हो गए हैं। अब इसमें हम मेन पीसीबी मदरबोर्ड उसे लगाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से है मदरबोर्ड। तो इसके नीचे यहाँ पर जो चार देख रहे हैं आप होल हैं, उसमें हमारे झटका ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर के कनेक्शन होंगे, और उसके ऊपर सबसे ऊपर बैटरी, और दो इसमें जैक हैं, एक एलईडी के लिए और हाई पावर। तो सबसे पहले हम इसमें कैपेसिटर को लगाएंगे। तो हम पहले जो झटका ट्रांसफार्मर के वायर हैं उन्हें हम जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं उनको हम काट कर वायर स्ट्रिपर से छील लेंगे। ये वाली जो मशीन है वो 10 KV की मशीन है, और इसमें जो हम कैपेसिटर लगाएंगे वो 20 MFD का होगा, 20 UF। इसके भी वायर को हम छील लेंगे। और इस कैपेसिटर वाले जो वायर होते हैं उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, तो इनमें हम जो यहाँ पर पीसीबी में जो CP लिखा है, तो पहले हम इस पर जो पिन हैं उन पर जो सोल्डर लगा है उसे हम निकाल लेते हैं आयरन से। जो चारों पिन हैं उन्हें हम आयरन से ओपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर के वायर को लगाते हैं। इस मशीन को आप 120 या 150 बीघा तक आराम से लगा सकते हैं सिंगल वायर पर, और ये काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल मशीन है, ज़्यादा इसकी कॉस्ट भी नहीं है। तो इस यहाँ पर जो CP लिखा है वहाँ पर हम इसके कंडेंसर के जो वायर हैं उन्हें हम लगा देंगे दोनों वायर को। इसमें ग्रीन कनेक्टर इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि जब हमारी मशीन खेत में लगी होती है तो उस पर जब लोड पड़ता है तो अगर ज़रा सा भी वायर लूज हुआ तो उस पर कार्बन आ जाता है, फिर उसके बाद ये वायर जल जाते हैं और हमारी जो मशीन है वो काम नहीं करती है। इस वजह से इसमें डायरेक्ट PCB में सोल्डरिंग करते हैं, जिससे हमारी जो मशीन है वो अच्छे से वर्क करे। तो अब इसमें हम ट्रांसफार्मर के वायर लगाएंगे। जो रेड वाले वायर के सामने जो वायर है उसे हम जो हमारी मॉस्फेट लगी होती है उसके लेग पर लगाएंगे, और जो एक माइनस वाला जो वायर है वो दूसरे जो लेग बची है उस पर हम लगा देंगे। तो इनको भी हम सोल्डरिंग कर देते हैं।
इन पे भी अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे। और इस जो एक्स्ट्रा वायर ऊपर निकले हैं उन्हें हम कटर से काट देंगे। तो ये भी जो हमारे कनेक्शन है मदरबोर्ड के हो गए हैं। तो अब इसमें हम जो लाइन के जो वायर है उसे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हाई पावर का स्विच है उसमें जो जैक है उसे हम एक्स्ट आउट के ऊपर जो जैक लगा है उसमें हम लगा देंगे। और जो हमारा पल्स का जो इंडिकेटर है रेड वाला उसे हम जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मोसफेट के बगल में जो कनेक्टर है उस पर लगा देंगे। और उसके बाद जो हमारा स्विच के ऊपर जो बड़ा जैक लगा है मेन जैक जिससे हमारे मदरबोर्ड में लाइन जाएगी तो उसे भी हम लगा देंगे। तो ये भी जो हमारे कनेक्शन हैं वो हो चुके हैं कुल मिला के। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, वो मैं डाउट आपका क्लियर कर दूँगा। तो अब इसमें हम जो बाहर से आउटपुट के लिए सायरन को सॉकेट में लगा देंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा आउटपुट अलार्म लिखा है उसे हम यहाँ पर लगा देंगे। और इसे हम सबसे पहले बैटरी से चलाएंगे, बाहर से बैटरी। तो कंप्यूटर लीड को हम बाहर से लगाते हैं। यह सबसे नीचे जो कंप्यूटर सॉकेट है वहाँ पर बैटरी का सिस्टम है। तो हम करते हैं मशीन को ऑन। तो हमारा जो इंडिकेटर है वो ग्लो हो गया है। तो मदरबोर्ड को मैं सीधा कर देता हूँ जिससे यहाँ पर जो मदरबोर्ड में इंडिकेटर लगा है वो आपको दिखे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा मशीन है वो ऑन हो गया है और पल्स दे रहा है, आप साउंड से समझ सकते हैं। और आप इसके पीछे हम दोनों प्लस माइनस को पेचकस से आपस में शॉर्ट करते हैं और जिससे हमारा जो सायरन है वो बजेगा। और आपको मैं इसका झटका भी दिखाता हूँ कैसा है। सो सायरन को हमने ऑन कर दिया है और वॉल्यूम को भी ऊपर कर दिया है और आप देख सकते हैं जो हमारा सायरन है वो भी बज रहा है और झटका भी देख सकते हैं काफ़ी इसका ब्लास्ट भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं जो हमारा इंडिकेटर है वो फेंस जब उसमें फॉल्ट हो रहा है उस वो भी इंडिकेटर भी बज रहा है, सॉरी इंडिकेटर भी ग्लो हो रहा है। तो अब इसको मैं कैमरा से आपको नज़दीक आपको दिखाता हूँ। अब इसे मशीन को चार्जर से भी चला के देखते हैं। तो मशीन हमारी एडॉप्टर से अभी ऑन है, चार्जिंग का भी बल्ब भी देख सकते हैं जल रहा है और पल्स भी। तो हम पेचकस को लगा के देखते हैं और आप साउंड से समझ सकते हैं जो हमारी मशीन है उसका करंट कितना ज़्यादा है। जो हमारे टर्मिनल हैं वो कसे हुए हैं, उसके बाद भी उस पीवीसी से बाहर जो हमारा पेचकस है उससे करीब एक इंच दूर तक फैंस को फॉल्ट कर रहा है। और इसके हम टर्मिनल को ओपन करके देंगे तो और इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सायरन ऑन ऑफ का बटन है उसे हम ऑन कर देंगे तो हमारा सायरन बजने लगेगा। और जो 12-24 का जो स्विच होता है ये है हाई पावर और लो। अगर इसे हम ऊपर कर देंगे तो हमारी जो मशीन है वो लो पावर पे चलेगी और इसे नीचे कर देंगे तो हाई पावर पर। और ये चार्जिंग, अगर इसे हम 12-24 को 12 पर कर देंगे तो मशीन हमारी ओनली चार्ज होगी, चलेगी नहीं। अगर इसे हम 24 पर कर देंगे तो हमारी जो मशीन है वो बैटरी को चार्ज भी करेगी और मशीन भी चलेगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।